हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सिखाऊंगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स ये जो मैंने फिगर्स वगैरह बनाया है, ऐसे फिगर्स जो है कि ज्यादातर एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो लोग मैनुअली काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो लोग काउंट करते हैं और क्या करते हैं, पूरा का पूरा समय नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और एग्जाम का जो एक लिमिटेड टाइम होता है उस टाइम में वो लोग क्वेश्चन पेपर खत्म नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आज आपको काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में कुछ फिगर्स जो मैंने बना रखा है ये दिखाऊंगा, और भी बहुत सारे फिगर्स हैं। ठीक है, ये पहले कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का दिख रहा है। देखो मेरे को कॉलम देखा तो 1 2 कॉलम और रो दोनों सेम है ना। 2 बाय 2 का कॉलम है, क्या 2 बाय 2 का कॉलम है ये, है ना, दिख रहा है 2 बाय 2 का है। तो अगर कभी ऐसा टाइप का अगर आपको मैट्रिक्स मिल जाए तो आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे अभी क्या एन इंटू एन है, मतलब क्या कॉलम रो बराबर है, कॉलम और रो सेम है, कॉलम भी 2 है रो भी 2 है। तो ऐसा केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, अगर मुझको इसको अगर काउंट करना है तो सीधा मैं क्या करूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो भी आएगा, 1 प्लस 4 कितना आया, 5, मेरा ये आंसर होगा। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे 5 स्क्वायर है। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, है ना। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, है ना। तो मतलब क्या ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, मतलब क्या कॉलम और रो दोनों सेम है। ठीक है, क्या है कॉलम और रो दोनों सेम है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, देखिए 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ गया, 14 स्क्वायर। दैट मींस क्या इसमें मेरा कितना स्क्वायर है, 14 स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये उससे थोड़ा बड़ा वाला, ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए रो और कॉलम दोनों ही 4 बाय 4 है ना। तो रो और कॉलम दोनों 4 बाय 4 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, कितना आ गया, 16 प्लस 9, है ना, प्लस 4 प्लस 1, है कि नहीं। तो देखिए 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 1 30, दैट मीन्स कितना यहाँ पे 30 स्क्वायर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 30 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए इस वाला फिगर को मैं पहले दिखाता हूँ, फिर इसका और इसका दोनों का करेंगे। ठीक है, ये जो फिगर है देखिए सेम इसी तरह है, लेकिन क्या है एक बड़े वाले मैट्रिक्स के अंदर छोटा वाला मैट्रिक्स घुसा हुआ है। दैट मीन्स क्या, देखिए अगर ये बड़ा वाला को आप देखेंगे तो भी ऐसा ही है, और छोटा वाला को देखेंगे तो भी ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब क्या, ये बड़ा वाला के लिए मेरे, ये जो बड़ा वाला फिगर है इसके लिए मेरे पास कितना ट्राइंगल है और कितना स्क्वायर है, 5, है ना। वैसे ये छोटा वाला जो है इसको भी यहाँ देखिए, इसका तो 5 आ रहा है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा, है ना, क्योंकि ये भी 1 2 1 2, ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ये वाला। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स होगा तो भाई बड़ा वाला के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा 5, छोटा वाला के लिए भी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा 5, टोटल कितने हो गए, 10 स्क्वायर। यहाँ पे कितने हैं, मतलब 10 स्क्वायर इस फिगर में है। ठीक है, आइए अब ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए फिलहाल ये बीच वाला भूल जाइए, देखिए बड़ा वाला, देखिए बड़ा वाला भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 1 2 1 2, नहीं 1 2 1 2, दैट मीन्स क्या 1 2 1 2, दैट मीन्स क्या 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ना। तो क्या होगा, 1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 5। फिर इसके लिए भी वही 1 2 1 2, ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ गया, 5। वैसे ये भी अभी फिलहाल ये वाला लाइन को छोड़ दीजिए, ये वाला लाइन नहीं है ऐसा सोचिए आप। ठीक है, तो अगर ये वाला लाइन नहीं है ऐसा सोचेंगे तो ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 1 2, है ना, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, इसके लिए भी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5। अब ये तो मैंने इसके लिए इसके लिए इसके लिए तीनों के लिए कर लिया है ना, तीनों फिगर के लिए मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक और एक एक्स्ट्रा स्क्वायर है, वो क्या है ये वाला देखिए। ठीक है, तो 5 5 5,
और 15 में प्लस वन है ना, दैट मीन्स आपका यहाँ पे कितना टोटल है, कितना टोटल स्क्वायर है आपका, 16 स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए होंगे, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ये बात। यहाँ पे 16 स्क्वायर क्यों है, देखिए ये बड़ा वाला के लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, और ये वाला छोटा वाला स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब करते हैं दूसरा, ये वाला आइए देखते हैं इसको ध्यान से। फिलहाल आप एक चीज कीजिए, देखिए ये जो छोटे छोटे स्क्वायर है ना, इसको इग्नोर मारिए। इसको इग्नोर करेंगे तो आपको कैसा मैट्रिक्स दिखेगा, 4 बाय 4 का मैट्रिक्स दिखेगा, है ना। आप इसको इग्नोर कीजिए तो देखिए कितना बाय कितना मिलेगा, 1 2 3 4, यहां से देखिए 1 2 3 4 है ना, दैट मीन्स क्या 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है। इसको इग्नोर करिए, अगर ये नहीं है तो ये फिगर ऐसा वाला बनेगा कुछ, है ना, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। दैट मीन्स क्या, उसको क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और मुझे पता है कि इसका वैल्यू कितना आ जाता है, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 30। थोड़ा देर पहले मैंने किया था, मेरे को याद है यहाँ पे किया था मैंने, है ना। अगर ये ना हो तो ये इसके जैसे दिख रहे हैं। अब आते हैं छोटा वाला में, देखिए ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है छोटा वाला, है ना, 1 2 1 2, है ना। तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स क्या, 5। वैसे ही इस तरह से ये भी 2 बाय 2 का है, इसके लिए भी 5, इस वाले के लिए भी 5, है ना। तो कितना आ रहा है, इस वाले के लिए भी 5 और इस वाले के लिए भी 5, 1 2 1 2, है ना। ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, सब चारों के चारों 2 बाय 2 के मैट्रिक्स, दैट मीन्स क्या, 30 प्लस कितना, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, है ना, कितने हो गए, 5 5 मैंने लिख लिया था, ये देखिए तो 4 5 मतलब 20। ठीक है, दैट मीन्स कितने हो गए, और तो कुछ है नहीं मेरे को दिख नहीं रहा है, तो दैट मीन्स कितने हो गए टोटल, टोटल 50 स्क्वायर इस वाले फिगर में है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए सभी 2 बाय 2 के मैट्रिक्स है ना, सबके सब 2 बाय 2 के मैट्रिक्स है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 2 बाय 2 के मैट्रिक्स है ना। तो देखिए किसमें कितना होगा नहीं होगा, देखिए अभी अगर इस वाले फिगर की बात करें तो इसमें टोटल 5 स्क्वायर मेरे को दिख रहे हैं। अब इस वाले फिगर की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी 5 है लेकिन एक पहले वाला में कॉमन है तो उसको नहीं लेंगे, तो कितना है यहाँ पे, 4। फिर इस वाला का बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक इस सेकंड वाला मैट्रिक्स में कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना है, 4। वैसे यहाँ पे भी अगर पूरा का बात करें तो 5 है लेकिन उसमें से एक कॉमन है इस वाले में, तो इसलिए ये वाला जो है इसमें भी है कितना, 4। इसी तरह से ये वाला जो है इसमें भी होगा 4, क्यों, क्योंकि एक एक कॉमन होता जा रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, देखिए 5 4 4 4 4, है ना, 4 4 16, है ना, और 16 प्लस 5 21, दैट मीन्स इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर है, 21 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये वाला फिगर देखिए ध्यान से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को ज्यादा फोकस करेंगे, इसको और इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट में देखिए 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ना, 1 2, है ना, और 1 2, तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना, 5, नहीं वैसे इस छोटे वाले में भी वही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 5 5 10। अब देखिए ये बड़ा वाला एक और ये बड़ा वाला एक, टोटल कितना, 2, दैट मीन्स 5 5 10 10 और 2 12, इसमें हमारे हैं 12 टोटल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, देखिए ये फिगर जो है बहुत ही सिंपल है देखने के लिए, खाली ऐसा है, देखिए ये जो तो डायगोनल दिख रहे हैं लंबे लंबे लाइन, इस लाइन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इस लाइन को हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है, इससे कुछ बन नहीं रहा है, उल्टा आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इसको हटा दीजिए। देखिए मैं हटा रहा हूँ, है ना, हटा दिया मैंने, ठीक है, मैंने लाइन को हटा दिया। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, बीच में 3 बाय 3 का मैट्रिक्स दिख रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स मतलब क्या, इसमें कितने
स्क्वायर हो गया, देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9 है ना, और 9 और 5 14, तो टोटल यहाँ पे है 14 अभी बीच बीच में है ना। अब देखिए साइड में कितना है, 1 स्क्वायर यहाँ 1 स्क्वायर यहाँ 1 स्क्वायर यहाँ 1 स्क्वायर यहाँ, दैट मीन्स 1 2 3 4, तो 14 प्लस 4 आपके यहाँ पे कितना है टोटल 18 स्क्वायर। ठीक है, कितने स्क्वायर है टोटल 18 स्क्वायर। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। अब इस वाले फिगर में आइए, इस वाले फिगर में भी देखिए बहुत ही अच्छा फिगर है ये, है ना। इसमें हम लोग ये वाला पार्ट को फोकस करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग फोकस करने वाले हैं। देखिए और सब बाद में काउंट करेंगे। तो ये देखिए, ये भी इसकी तरह 3 बाय 3 मैट्रिक्स बन रहा है ना। दैट मीन्स क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 14 है ना। मतलब क्या, 3 बाय 3 के मैट्रिक्स है ना, तो टोटल 14 स्क्वायर तो है अंदर, और बाहर कितने, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 14 प्लस 4 18, इसमें भी 18 ही है। ठीक है, इसमें भी 18 बन रहा है, इसमें भी 18 बन रहा है ना। देख लीजिए ध्यान से, 3 बाय 3 का है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये वाला फिगर देखिए, देखने में बहुत ही भयानक है लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वाला सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा जगह पे बना ले रहा हूँ बोर्ड में बिठा के। देखिए ये वाला फिगर है, इस फिगर में अभी अंदर कोई लाइन है ये भूल जाइए फिलहाल, फिर सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि ये कितना बाय कितना का बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 है ना, वैसे इधर से भी 1 देखो, 1 2 3 4 है ना, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है, तो ये तो फॉलो होना ही है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपको, देखिए 16 प्लस 9 25 प्लस 4 है ना, 29 प्लस 1 30, ये तो आपके हो गए 4 बाय 4 के थे। इसीलिए अब मैं क्या देखूंगा, ऐसे टेढ़ा में रोमबस जैसे शेप में, मतलब ये टेढ़ा में कोई कंप्लीट स्क्वायर हो तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से एक कंप्लीट स्क्वायर देख रहा है, 1 2 3 4, देखिए यहाँ से भी 4 1 2 3 4, कोई बड़ा कंप्लीट स्क्वायर, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, देखिए 4 बाय 4 का मैंने नीला कलर से दिखा दिया आपको है ना, तो सेम 4 बाय 4 का फिर से मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए एक अंदर का लाइन भूल जाइए, खाली 4 बाय 4 का मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब ये टेढ़ा लाइन भूल जाइए, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से 4 बाय 4 का मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्या, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर से 30, नहीं फिर से 30 है ना। चलो ये तो हो गया बड़ों के, बड़े वाले के लिए 30, छोटे वाले अंदर वाले के लिए 30। अब इसको छोड़ के कितने स्क्वायर है वो भी नहीं है, देखिए बाहर एक ये वाला, एक ये वाला, 2 3 4, इसी तरह से 5 6 7 8, तो यहाँ पे एक और प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको छोड़ के कुछ कॉमन स्क्वायर तो नहीं है वो देख रहे हैं, तो कॉमन किसके साथ हो सकता है, इसके साथ ही, तो देखिए इसके साथ एक कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, एक बड़ा सा स्क्वायर ये 2 बाय 2 का है ना, तो यहाँ पे एक, इसी तरह से यहाँ पे भी एक कॉमन दिखेगा, इसी तरह से यहाँ से भी एक कॉमन दिखेगा, इसी तरह से यहाँ पे भी एक कॉमन दिखेगा, तो दैट मीन्स 4 और कॉमन है, तो टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए, देखिए यहाँ 30 30 60 60 प्लस 8 68 और 68 प्लस 4 72, टोटल 72 स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर है, 72 स्क्वायर है। तो होप करता हूँ आपको मजा आया होगा वीडियो देख के, और अगर मजा आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। और फिलहाल तो मैंने आपको रो कॉलम जब सेम होते हैं तो उसके कुछ टाइप्स दिखाए हैं, अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगर रो कॉलम सेम नहीं होता है तो कैसे करना है वो वाला सिखाऊंगा, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।